राजधानी शिमला के संजौली स्थित गुगा माड़ी मंदिर में गुगा छारवीर जी जन्मोत्सव हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2024 यानी रक्षाबंधन को पूरे संजौली बाजार में गुगा जी की छड़ी घुमाई गई, जिसका उद्देश्य देश प्रदेश में खुशहाली लाना है। वहीं 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन जागरण और 27 अगस्त गुगा नवमी को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मैं भगत सिंह घावरी श्री गुगा माड़ी मंदिर से गुगा झारवीर जी जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन को गुगा जी की छड़ी संजौली बाजार में घुमाई जाएगी, जिसका उद्देश्य है कि प्रदेश प्रदेश में खुशहाली आए और बाबा जी की कृपा सभी पर बनी रहे। ये रक्षाबंधन से गुगा जी प्रकट होते हैं गुगा माड़ियों में और इनको घुमाया जाता है और 27 को जन्माष्टमी को जागरण और गुगा नवमी को भंडारा किया जाता है। हर एक बिरादरी के लोग आते हैं यहाँ पे, सभी आते हैं यहाँ पे, सबको पुत्र की प्राप्ति होती है यहाँ से, अन्न धन का प्राप्ति होती है बाबा जी की कृपा से। जो इन्हों को सच्चे मन से मानता है उन्हों के सभी काम होते हैं और सभी लोग संजौली के क्या लोग ऑल हिमाचल के लोग यहाँ आते हैं बाबा जी के मंदिर में, माथा टेकते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भजन वाणी करते हैं। ये जी रक्षाबंधन से शुरू होता है, जैसे कि बेटे ने बताया छड़ी यात्रा निकलती है, झांकियाँ निकलती है, उसके बाद गुगा जी जैसे कि जिन्होंने मन्नत की होती है उन्हों के निमंत्रण देते हैं, उन्हों के घर घर भी जाते हैं जिन्होंने मान्यते की है। जी हाँ जी, जन्म रक्षाबंधन को भी भंडारा होता है और जन्माष्टमी की रात को भी भंडारा होता है। उससे पहले भंडारा होता है, आरती पूजा होती है, उसके बाद आपका कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है ठीक 12 बजे रात को, उसके बाद गुगा जी का जन्म मनाया जाता है सुबह 4 बजे, उसके बाद पूरा दिन रंगारंग प्रोग्राम चलता है और भंडारे का सेवन होता है। भी मन धन से बाबा जी के मंदिर में आए, माथा टेके, सत्य भावना से आए और सबके कार्य संपूर्ण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।